अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में बलदियाती इंतखाबात हारने के बाद इस वक्त सकते में, मायूसी में और गुस्से के आलम में दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो जनाब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को है, और वो सब पे गुस्सा निकाल रहे हैं, कोई उनके करीब नहीं जा रहा। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्होंने किन दो शख्सियात पर निकाला है, ये आज हम आपको खबर देंगे। और फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने इस किस्म की, वो कश्मीर में भी इसी तरह की तकरीरें करते रहे, गिलगित में भी करते रहे, लेकिन वहाँ पर तो फिर वो सरपरस्ती थी, यहाँ पर इस दफ़ा सरपरस्ती नहीं थी। तो जनाब जब इनके ऊपर बात आई तो गंडापुर साहब ने मरवा दिया फिर पूरे कहते हैं KPK में, बलदियाती इंतखाबात में। और लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा उसी हरकत को करने जा रहे हैं, उनके अजायम अभी तक वही हैं, उनको कोई इस पर नहीं है कि जो पहले हमने किया क्या नतीजे निकला। और वो जो बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला KPK में, लगता है उसमें भी ये रगड़ा लगवा के छोड़ेंगे। और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू शुरू कर दी जनाब, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए, ताने मारने शुरू कर दिए। और फिर जनाब असलम रईसानी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, वो क्या चक्कर है ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब मरियम नवाज़ वापस आ गई हैं सियासी मैदान में, आज उनकी नैब में पेशी थी, वो नैब में नहीं, यानी कि नैब के केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। और वहाँ पर फिर उन्होंने जनाब वो दोबारा वो हमले किए हैं नैब के ऊपर, नैब जो है एक बार फिर मोहलत लेकर फरार हो गया। इन तमाम मौजूद पर आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा का प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी थी, अब चूँकि पिछला हम कह सकते थे कि महीना को सियासी सरगर्मियों से बिल्कुल कतन दूर रही, बिल्कुल ट्विटर भी उनका खामोश रहा, वो अपने साहबजादे की शादी की खुशियाँ मनाने में मसरूफ थी, और बेटे की शादी से ज़्यादा खुशी माँ से ज़्यादा किसको हो सकती है। और बहरहाल अब वो वापस आ गया, और वापस आकर उन्होंने फिर वही जो है वो अपना उसी पुरानी ट्यून में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज वही नायब ने हरकत की है, वही नायब जो कि पहले संदूकें भर भर के असाब अदालत में लेके जाता था, जी ये भी हमारे पास सबूत हैं, वो भी सबूत हैं, और आज ये मेरे ख्याल 7वीं बार इल्तवा लेकर नायब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्लिप हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे फलां फलां चीज़ों के सबूत अदालत में पेश करें उनका जी ले आते हैं। उसके बाद से जनाब मुसलसल तकरीबन 7वीं बार है कि वो कभी किस बहाने से कभी किस बहाने से इल्तवा लिए जा रहे हैं। आज भी जनाब नायब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से दरख्वास्त आ गई कि जनाब मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मैं पेश नहीं हो सकता, फिर अदालत की मैं समात मुलतवी होगी। और बहरहाल समात मुलतवी तो हो गई, लेकिन नायब की इस बात पर फिर मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने फिर काफ़ी ताने दिए हैं और सही टका टका के ताने दिए हैं। खैर अब हम आ जाते हैं जनाब KPK के इलेक्शन के वाले के बाद से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का मोराल बड़ा हाई है और होना भी चाहिए, उन्होंने तो बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। और वहाँ पे जो हैं वो चार जो बड़े शहर हैं जहाँ के मेयर का इलेक्शन था, वो चार बड़े शहरों के मेयर में से तीन तो पेशावर समेत JUI ने जीत लिए और एक ANP ने जीत लिया, और PTI के बल्ले एक भी मेयर की सीट नहीं आई, और बाकी तहसील कौंसलों में भी वो पहले नंबर पे। तो आज जनाब असलम नवाब असलम रईसानी बलोचिस्तान वाले जनाब साबिक वज़ीर-ए-आला, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, और सुना है खबरें आ रही हैं कि असलम रईसानी साहब JUI में शमूलियत के बारे में कुछ और कर रहे हैं, ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं, देखें क्या होता है अगले दिनों में। फिर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, वो जिन्होंने जनाब वहाँ पे तकरीरें की थी कि जनाब जो अपोजिशन के लोगों को वोट देगा और मेरा भाई वज़ीर बल्दियात है, हुकूमत तरीके इंसाफ की है, मैं वफाकी वज़ीर हूँ, और फिर हम इनको फंड्स नहीं देंगे और हम देखेंगे कि फंड्स ये कैसे लेते हैं, कैसे आप लोगों के काम करेंगे, अवाम को धमकियाँ दे रहे थे। और ये फिर कल जो नतीजा निकला उसके बाद भी अली अमीन को कहते हैं ना कि अकल नहीं आनी इन्हों, वो कल भी पता चला कि जनाब वो एयरवाई पे बैठ के ही बातें करते कि मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ, हम तो फंड्स नहीं देंगे। तो बकवाल इमरान खान साहब, मैं इमरान खान साहब को कोट करूँ, बकवाल इमरान खान साहब ये तुम्हारे बाप का पैसा है भाई, जिस काम के लिए फंड्स होते हैं सरकारी उनको नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप का पैसा है, कैसे रोक के करोगे भाई, कैसे रोक सकते हैं आप पैसे, कल वो कोर्ट में चले जाएंगे फिर आपको देने पड़ेंगे। तो बहरहाल ऐसी बातों से वो पैसे तो पता नहीं रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, वैसे कोशिश वो पूरी करेंगे, लेकिन ये है कि वो ऐसी बातों से वो जो रही सी कसर है उसको भी निकालने में तुले में, अभी जो दूसरा मरला बाकी है उसमें फिर इससे भी ज़्यादा बुरे हालात होंगे अगर इनके यही आते रहें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब अगर ऐसी बातें करें तो उसका मतलब उनको पार्टी में कोई नहीं रोक रहा, खान साहब की माँ के साथ ही जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताई थी कि इमरान खान साहब बड़े शदीद गुस्से में जी परसों से, वो फिर काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मिजाज बरहम है, और जो PTI के रहनुमा हैं वो उनसे बचते फिर रहे हैं, उनसे दाएं बाएं हो रहे हैं, कोई क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। हाँ साहब ने भी राज के सारों पर गुस्सा निकाला और एक अपना
किचन कैबिनेट से भी एक जो छोटा इजलास है ना, वो चार पांच जो अपनी पार्टी के करीबी करीबी बंदे उनके साथ भी बनी गाला में उन्होंने किया और जनरल होया किए। तो बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ जो इस चीज़ पे अभी भी यकीन करने पे तैयार नहीं है कि जो उनकी पॉलिसियाँ और जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, जो उनका अवाम के साथ बेरहमाना और बिल्कुल संगदिलाना किस्म का सलूक है इन तमाम मामलात पर जिन पर अवाम की चीखें निकल रही हैं कि उसका रिएक्शन है। तो खान साहब ने बहरहाल फिर ये सारा नज़ला जो है वो अपनी पार्टी के लोगों पर गिराया, लेकिन जो दो लोग बिलखसूस खान साहब के उस गुस्से की जद में आए हैं वो जनाब एक तो उनके चीफ ऑर्गनाइजर हैं गालिबन सैफुल्ला नियाज़ी और दूसरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी। बकौल खान साहब के आप लोगों ने टिकट ठीक नहीं दिया जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ और अब जो है वो मैं खुद जो है वो अगले मरहले की निगरानी करूँगा। तो वैसे खैर ये है तो इलेक्शन कमीशन की कवानीन की खिलाफ वर्जी की वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी करेंगे, लेकिन खिलाफ वर्जी तो उन्होंने इस मरहले में भी की थी। रिटर्न अहकाम थे वज़ीर आज़म साहब को कि आप ये ना करें कि सेहत कार्ड तकसीम करने ना जाएँ, लेकिन उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, प्राइम मिनिस्टर है भाई, लेकिन यह कि अवाम ने फिर जो कुछ किया वो विफाक में भी हुकूमत सूबे में भी हुकूमत के पी के आपका गढ़ के पी के आपकी बेस कैंप वहाँ पर भी जनाब अगर पी टी आई किसी को मुंह दिखाने नहीं। और फिर जो वाकयात हो रहे हैं इलेक्शन के दौरान भी इलेक्शन के बाद भी जो पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडर्स के साथ जो पब्लिक सलूक करी है जहाँ पर हर जगह पर उन पर हमले हो रहे हैं, लोग मुश्तिल हैं, तो पर नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन में भी इसी तरह होने वाला। और फिर वो जो परवेज़ अली साहब ने अपने रफीकों को ये कहा था कि जनाब मुझे तो ये पंजाब के बलदियाती इंतखाबात तो लगता है पी टी आई नहीं होने देगी, अलबत्ता आम इंतखाबात बहुत जल्दी होने वाले हैं तो लगता है उनकी बात ठीक है, क्योंकि के पी के जो इंतखाबी नतज हैं उन्होंने बता दिया खान साहब को। खान साहब वो जी तुम दो चीज़ों से जोर दे रहे, उसने EVM तो समुंदर पार पाकिस्तानी उनके वोटों पर आपको निसार करना पड़ेगा, बाकी पाकिस्तान में हूँ तो कोई भी वोट देने से तैयार नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।